गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 9 यातायात एवं संचार के साधन शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था यातायात तथा संचार के महत्व। अब हम आगे करेंगे यातायात के साधन। अब हम यातायात के विभिन्न साधनों का अध्ययन करेंगे। पहला है सड़क यातायात। हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क है। यद्यपि सड़क यातायात महंगा है, फिर भी यातायात का सबसे आसान साधन होने की वजह से यह काफ़ी लोकप्रिय है। यह व्यापारियों के घर से उपभोक्ताओं के घर तक सामान पहुंचाने में मदद करता है। पहाड़ी क्षेत्र प्रायः सड़क यातायात पर ही निर्भर होते हैं। सड़कों का निर्माण करना तथा इनका रख रखाव आसान है। ये रेलवे यार्ड तक माल पहुंचाने के कारण रेलवे से संपर्क स्थापित करते हैं। सड़क दूर दराज के गाँव को भी उच्च पथ या राजमार्ग से जोड़ती है। तो देखिए सड़क यातायात क्या होते हैं। हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी सड़क की नेटवर्क है और सड़क यातायात क्या है, महंगा है पर फिर भी क्या है, यातायात का सबसे अच्छा सबसे आसान साधन है। इसी वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अच्छा है, आसान है। ये व्यापारियों के दुकान से जो ग्राहकों है उसके घर तक सामान पहुँचाने में मदद करता है। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सड़क यातायात पर ही निर्भर हैं। ठीक है, सड़कों का निर्माण करना, इनका रखरखाव आसान है, ये रेलवे यार्ड तक माल पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सड़क दूर दराज के गांवों को भी उच्च पथ या राजमार्ग से जोड़ती है। तो चलिए पढ़ते हैं उच्च पथ। उच्च पथ क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो देश का नेशनल हाईवे है या सड़क है, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं और उसको उच्च पथ भी कहा जाता है। तथा राजकीय राजमार्ग, जो राज्य किसी राज्य की राजमार्ग है उसको हम राजकीय राजमार्ग कहते हैं, उच्च पथ भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होती है, किसी भी देश की सबसे ज़रूरी सड़कों को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये देश के प्रमुख शहरों तथा राज्य की राजधानी को आपस में जोड़ती है। इन सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी संघीय सरकार की होती है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कन्याकुमारी, श्रीनगर इत्यादि को जोड़ने वाली सड़कें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कन्याकुमारी, श्रीनगर। ये जो रास्ते हैं हमारे देश के वो क्या हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग में आते हैं। आगे देखिए किसी राज्य की राजधानी तथा इनके प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती हैं। किसी भी राज्य की राजधानी या इसके प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती हैं, यानी राज्य की राजमार्ग कहलाती हैं। जब किसी भी राज्य की राजधानी या उसके जो प्रमुख शहर हैं उनको जोड़ती हैं जो रास्ते, उनको हम राजकीय राजमार्ग कहते हैं, यानी उस राज्य के राजमार्ग। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिले की सड़कें जिले के मुख्यालय को विभिन्न प्रमुख सड़कों से जोड़ती है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। केंद्र सरकार ने सीमा सड़कों के निर्माण तथा पुरानी सड़कों की देखभाल के लिए एक सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया है। ये सड़कें नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार की सीमाओं से लगी हुई है। तो देखिए जिले की सड़कें जिले के मुख्यालय को विभिन्न प्रमुख सड़कों में से जोड़ती है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और केंद्र सरकार ने सीमा सड़कें भी बनाई हैं, जो हमारे देश की सीमाएं हैं वहां पर भी सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, जो हमें क्या करती हैं, युद्ध के वक्त जहां से आसानी से सामान को पहुँचाया जा सकता है हमारे योद्धाओं तक। ठीक है, चलिए आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।